आज आपका इंडिया न्यूज 28 में आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरें। झारखंड की ईसीएल मुगमा में एरिया के 46वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कोल इंडिया के गीत के साथ हुई, उसके बाद शहीदों के नाम पर एक मिनट का मौन रखा गया। ईसीएल मुगमा एरिया के महाप्रबंधक बीसी सिंह को बुके देकर सम्मानित किया गया। एजीएम एके शर्मा ने बताया कि 1971 के 1 नवम्बर में कोल इंडिया की स्थापना हुई थी, उसके बाद से लगातार ईसीएल देश के विकास में अपना अहम योगदान दिया है। भारत के गर्भ से कोयला निकालकर देश को रोशन किया है। जब से महाप्रबंधक द्वारा मुगमा एरिया में योगदान दिया है, ईसीएल में मुगमा एरिया अपना एक अलग स्थान बनाया है। हम सभी को महाप्रबंधक पर गर्व है। कार्यक्रम कोरोना को देखते हुए पूरी एहतियात रखी गई, सभी सोशल डिस्टेंस का पालन किया। कार्यक्रम के दौरान ईसीएल में कार्यरत प्रियंका भट्टाचार्य ने भरतनाट्यम नृत्य, गोपी बाउरी ने संगीत, स्कूली बच्चों ने ग्रुप नृत्य प्रस्तुत किया, जिसे सभी ने खूब सराहा। मुगमा एरिया के बेहतर प्रदर्शन करने वाले इकाई को पुरस्कृत किया गया। नॉर्थ छोटा नागपुर मंडल ब्यूरो आजाद अंसारी की रिपोर्ट। कोल इंडिया फाउंडेशन डे के अवसर पर किया गया प्रोग्राम है। कोल इंडिया की इसी दिन स्थापना हुई थी और कोल इंडिया एक्चुअली पहले प्राइवेट माइंस हुआ करते थे, बाद में नेशनलाइजेशन हुआ और एक गवर्नमेंट कंपनी की स्थापना हुई जो कोल इंडिया लिमिटेड माना गया। और उस दिन के बाद से आप मतलब बिलीव नहीं होता, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मतलब कई फोल्ड बढ़ा, सेफ्टी बढ़ी और मजदूरों का जो एक्सप्लॉयटेशन था वो ख़त्म हुआ, जो एक्चुअली प्राइवेट जमाने को प्राइवेट माइंस को जो नेशनलाइज किया गया था उसका मेन कारण था वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन। और आज हमारे वर्कर्स हमारे मतलब देश में लगभग सभी जितने भी एम्प्लॉइज के कैटेगरीज हैं उनमें बोल सकते हैं सर्वोत्तम सैलरी स्केल इन्हीं का है और वो काफ़ी अच्छे और समझदार हैं और अपने पब्लिक सेक्टर को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में हमेशा आगे रहते हैं और इस तरह से वो अपने देश की प्रगति में योगदान करते हैं।